खातून तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल के वाकये को लेकर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने रियासती हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह सब सिस्टम की गलती की वजह से और सिस्टम की खामियों की वजह से ऐसे अफसोसनाक वाकयात आए दिन पेश आ रहे हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह जमीनात के मामले को साफ व शफाफ बनाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात मुस्तकबल में पेश न आए। इसी वजह से आज विजय रेड्डी जो रेवेन्यू ऑफिसर है MRO है उनको पेट्रोल डाल के सूरज बोलने वाला वो भी TRS का कार्यकर्ता है, ये क्यों हो रहा? सिस्टम में गलत है। कर्नाटक में एक इंसिडेंट नहीं हो रहा, आज एक आदमी को अपन जमीन बेचे तो एकर उसका कॉलम में आना ना, उसका कॉलम में नहीं आता। आज भी रहित बंधु बेचे वाला खरीदे वाले के पास पैसे नहीं आ रहे, जो बेचे वाले पैसे जा रहे, क्यों भाई? ये सिस्टम कब तक यह दलाली चलेगा? आप चलो अपना कोका पेट के तरफ, अपना कच्ची बोली के तरफ, मुसलमान भीख मांग रहे हैं। 2006 तक उसका नाम है कॉलम में, उसके बाद उसका कॉलम निकाल दिए। क्यों नहीं वह बोले तो पूछने वाला कोई नहीं, वो कॉलम क्या है उसमें? पानी में नाम लेना, पानी में 2006 तक उसका नाम रहता मोहम्मद अफजलुद्दीन, 2006 से दूसरा आ जाता रामाराव बोल के। क्या ये कब तक चलेगा ये? KCR तू सही इंसाफ करना है, आज तेरा रईत बंधु भी ओरिजिनल जो बेचे वाला उसके नाम पे है मगर उसको नहीं मिल रहा, जो बेच दिए वाले को जा रहा पैसे। अब इससे ज्यादा क्या बेईमानी होना भाई? वही देखो कर्नाटक में जब हमारे क्या नाम बसवराज देवराजर्स जब चीफ मिनिस्टर था, कावूरी तिम्मप्पा ये कानून लाए, अगर आज तुम दूसरे को भेज दिए तो उसका नाम आ जाता,